आपका स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का जलसा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री और सीएम। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार 3 दिनों तक किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, मेरे भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथों वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का रास्ता अपनाया है। पूज्य बापू का यह मानना था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी या कागजों पर ही शासन का हस्तांतरण नहीं है। जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वदेशी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहे। स्वदेशी से उनका अर्थ आत्मनिर्भरता से ही था, मेरे बहनों भाइयों। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने की आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है। और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। रक्षा सचिव जी ने यहां पर कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को, रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं, मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा